ये हमारे पास पेशेंट है अली साहब, और ये भी आपको बताएंगे कि इनका एक्सपीरियंस आईसीयू में क्या था, और सेकेंडली सेना मक्की के कहवे पीने के बाद इनके साथ क्या ट्रीटमेंट हुआ था। सेकेंडली चूंकि ये कई दिन से हमारे पास है, माशाल्लाह स्टेबल हैं, तो आपको ये भी गाइड करेंगे कि जिन लोगों का ख्याल है कि डॉक्टर्स को $10,000 मिल रहे हैं जहर के टीके लगाने के, उसमें कितनी रियलिटी है और आईसीयू में एक्चुअली हम क्या कर रहे हैं। जी डॉक्टर जी अली साहब, अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोगों से मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, सबसे पहले तो इन डॉक्टर्स की बहुत रिस्पेक्ट करें, ये दिन रात हमें अपना दे रहे हैं, अपनी जान की परवाह नहीं कर रहे। मैं जिस कंडीशन में आया था और आज जिस कंडीशन में हूँ, यकीन करें ये सब इन लोगों की मेहरबानी। सेकेंडली सिर्फ और सिर्फ इनसे प्रॉपर मेडिकेशन करवाएं, कोई घरेलू टोटके यूज़ ना करें, किसी भी बातों में ना आए। जो सना मक्खी वाली बात है, मैं भी अल्लाह का कलाम हूँ, मैं उसमें डिनाई नहीं करता, अल्लाह पाक ने किसी को शफा भी दी होगी, बट दैट रियली हर्ट्स। आपका अंदर सारा ख़राब हो जाएगा, आपको इतने बार मोशन आएंगे कि आपसे उठना मुश्किल हो जाएगा और आप एक दिन आराम से गिर जाएंगे। तो आप लोगों से उम्मीद है पहले डॉक्टर से कंसल्ट कर लें, फिर उसको यूज़ करें। अगर ये रिकमेंड करते हैं तो ज़रूर यूज़। ओके जी अली साहब, बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह ताला हम अली साहब को भी आज स्टेप डाउन करेंगे ताकि ये स्टेबल हो जाए।